यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं यानी यूक्लिड्स डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत हम ज्यामिति के उत्पत्ति से संबंधित कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से करते हैं। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो और मेट्रिन को मिलाने से हुई है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। इससे तो यही लगता है कि ज्यामिति शब्द का उद्गम ही भूमि को मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि गणित की इस शाखा यानी ज्यामिति का उद्गम हाल ही में हुआ है? जी नहीं, प्राचीन काल से ही प्रत्येक सभ्यताओं द्वारा विभिन्न रूपों में इसका अध्ययन किया गया है। जैसे कि मिस्र वासियों के लिए जब भी नील नदी में बाढ़ आती, उनके खेतों की परिसीमाओं को अपने साथ बहा ले जाती थी। उन परिसीमाओं को पुनः उसी प्रकार बनाने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समस्याओं को सुलझाने के लिए मिस्र वासियों ने अनेक ज्यामिति तकनीकें और नियम विकसित किए। नहरों और पिरामिड को देखकर हम आसानी से यह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग इनके निर्माण में भी किया। और भारतीय उपमहाद्वीप में भी खुदाई के दौरान मिले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों की बनावट और व्यवस्था देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी ज्यामिति का प्रचुर मात्रा में ज्ञान था। केवल देखकर ही नहीं बल्कि वेदों और ग्रंथों को पढ़कर भी हमें ज्यामिति के ज्ञान के साक्ष्य मिले हैं। अथर्ववेद में दिए हुए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित यानी छिपे हुए हैं। क्या आप त्रिभुजों से बनी इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या बता सकते हैं? यह कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि इनसे 43 छोटे छोटे त्रिभुजों का निर्माण होता है। ज्यामिति की जानकारी हमें एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से या ताम्र पत्रिकाओं पर लिखे संदेशों से मिलती रही है। कुछ सभ्यताओं जैसे बेबीलोनिया, भारत और रोम में ज्यामिति केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण वाले विषय तक ही सीमित रही, लेकिन यूनान जैसी सभ्यताओं के लोगों ने ज्यामिति के पीछे छुपे हुए तर्कों में अधिक अभिरुचि दिखाई। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने सबसे पहले यह उत्पत्ति प्रदान की कि किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त को समद्विभाजित यानी दो बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों, यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस का नाम तो आपने सुना ही है, यह थेल्स के ही शिष्य थे। पाइथागोरस और उनके साथियों ने मिलकर अनेक ज्यामिति गुणों की खोज की और ज्यामिति के सिद्धांतों का विकास किया। उस समय के सभी यूनानी गणितज्ञों ने ज्यामिति को उस विश्व का सिद्धांतीय प्रतिमान यानी अब्स्ट्रैक्ट मॉडल माना जिसमें वे रहते थे, और उन्होंने अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर बिंदु यानी पॉइंट, रेखा यानी लाइन और तल यानी पृष्ठ या सरफेस आदि की अवधारणाएं विकसित की। ठोस वस्तुओं के अध्ययन से भी उन्होंने कुछ अवधारणाएं विकसित की, जैसे ठोस वस्तुओं का आकार होता है, माप होता है और स्थिति होती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इनकी 3 विमाएं होती हैं यानी यह 3 डायमेंशनल होते हैं। दोस्तों, इसकी परिसीमाएं यानी बाउंड्रीज को तल या पृष्ठ कहते हैं, और पृष्ठ की 2 विमाएं यानी 2 डायमेंशंस होते हैं, और इनकी कोई मोटाई नहीं होती, और पृष्ठ की परिसीमाओं को वक्र यानी कर्व्स या सीधी रेखा कहते हैं, और इसकी 1 विमा होती है यानी यह 1 डायमेंशनल है। इन रेखाओं के सिरे बिंदु होते हैं और इनकी कोई विमा या डायमेंशन नहीं होता। मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के एक शिक्षक यूक्लिड ने इन सभी कथनों को संक्षिप्त रूप से परिभाषाओं के रूप में अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में व्यवस्थित किया, जिसमें उन्होंने उस समय तक के ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया। उस पुस्तक को 13 अध्यायों में विभाजित किया और प्रत्येक को पुस्तिका नाम दिया। दोस्तों, चलिए उन परिभाषाओं को देखते हैं। पहली परिभाषा, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यहां उन्होंने भाग को परिभाषित नहीं किया है। दूसरी परिभाषा है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी रेखा की कोई चौड़ाई नहीं होती, पर यहां लंबाई और चौड़ाई को भी परिभाषित नहीं किया गया है।
तीसरी परिभाषा है, एक रेखा के दोनों सिरे बिंदु होते हैं, यानी जहां रेखा खत्म होती है उसे बिंदु कहते हैं। चौथी परिभाषा कुछ इस तरह से है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अनेक बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखा बनती है। पांचवी परिभाषा यह है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती। छठवीं परिभाषा कहती है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, किनारे यानी परिसीमाएं। और सातवीं परिभाषा कहती है, एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पृष्ठ पर अनेक रेखाएं स्थित होती हैं। दोस्तों, यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाओं में कई पदों को परिभाषित करने की आवश्यकता है। जैसे पहली परिभाषा में भाग को, दूसरी और पांचवी परिभाषा में लंबाई और चौड़ाई को। यदि हम पहली परिभाषा में भाग को क्षेत्र यानी जो स्थान घेरता हो यह कहकर परिभाषित करें, तो अब हमें यहाँ क्षेत्र को भी परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार बिना किसी अंत के हमें परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है। इन्हीं कारणवश गणितज्ञों ने ज्यामिति के कुछ पदों को अपरिभाषित मान लिया। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की परिभाषाओं यानी यूक्लिड्स डेफिनेशंस पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले रिक्त स्थान को देखिए, यहाँ हम ठोस की परिसीमाओं की बात कर रहे हैं और ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ होती हैं, यानी यहाँ रिक्त स्थान में पृष्ठ होगा। दूसरे रिक्त स्थान में विमा यानी डायमेंशन की बात कर रहे हैं और बिंदु की कोई विमा नहीं होती, इसलिए यहां रिक्त स्थान में बिंदु आएगा। तीसरे रिक्त स्थान में हम चौड़ाई रहित लंबाई की बात कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई नहीं। दोस्तों, यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार रेखाएं चौड़ाई रहित लंबाई होती हैं, इसलिए इस रिक्त स्थान में रेखाएं आएगा। चौथे और आखिरी रिक्त स्थान को देखिए, इसमें पृष्ठ की परिसीमाओं की बात कर रहे हैं। पृष्ठ की परिसीमाएं वक्र होती हैं या तो सीधी रेखाएं होती हैं, इसलिए यहां पहले रिक्त स्थान में वक्र और दूसरे में सीधी रेखाएं आएगा। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में हमें ठोस की विमा यानी डायमेंशन बताना है। किसी भी ठोस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, इसलिए ठोस यानी सॉलिड की तीन विमाएं होती हैं। दूसरे प्रश्न में रेखा की विमा यानी डायमेंशन बताना है। उसकी केवल लंबाई होती है, इसलिए इसकी विमा एक होगी। तीसरा प्रश्न, दोस्तों ठोस से बिंदु तक के चरण हम जानते हैं। ठोस की परिसीमाएं पृष्ठ, पृष्ठ की परिसीमाएं रेखाएं और रेखाओं की परिसीमाएं बिंदु होते हैं, इसलिए यह चरण कुछ इस तरह होंगे, ठोस, पृष्ठ, रेखा और बिंदु। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है।
इस वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। दोस्तों, ज्यामिति में बिंदु, रेखा और पृष्ठ अपरिभाषित क्यों हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? चलिए इसे समझते हैं। यूक्लिड द्वारा दी गई पहली परिभाषा के अनुसार बिंदुओं का कोई भाग नहीं होता है। यहां उन्होंने भाग को परिभाषित नहीं किया है। यदि हम भाग को क्षेत्र यानी वह जो स्थान घेरता हो इस तरह परिभाषित करें, तो क्या आप ऐसा कोई बिंदु बना या दिखा सकते हैं जिसका कोई भाग न हो? नहीं, यह संभव नहीं है। हम कितना भी छोटा या सूक्ष्म बिंदी यानी डॉट लें, वह कुछ न कुछ स्थान तो घेरेगा ही। और यूक्लिड की दूसरी परिभाषा के अनुसार रेखाएं चौड़ाई रहित लंबाई होती हैं, यानी चौड़ाई और लंबाई को परिभाषित नहीं किया है। दोस्तों, क्या वास्तव में हम ऐसी रेखा खींच सकते हैं जिसकी कोई चौड़ाई न हो? नहीं, क्योंकि कितनी भी पतली से पतली रेखा खींची जाए उसकी कुछ न कुछ चौड़ाई अवश्य होगी। इसी प्रकार यूक्लिड की इस परिभाषा के अनुसार एक पृष्ठ यानी सरफेस वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या ऐसा पृष्ठ वास्तविक रूप से संभव है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई हो? यह भी संभव नहीं है। हम कितना भी पतला से पतला पृष्ठ यानी सरफेस लें, उसकी कुछ न कुछ मोटाई तो अवश्य होगी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि यूक्लिड द्वारा दी गई परिभाषाओं के अनुसार बिंदु को, रेखा की चौड़ाई को और पृष्ठ की मोटाई को वास्तविकता में दिखा पाना संभव नहीं है। इसलिए ज्यामिति में बिंदु, रेखा और पृष्ठ यानी तल को अपरिभाषित मान लिया गया है। तो दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की परिभाषाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के इस सत्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अभिधारणा यानी पोस्टुलेट्स क्या होती है और उसकी परिभाषा का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम यूक्लिड की अभिधारणाओं यानी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए सबसे पहली अभिधारणा से शुरू करते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। दोस्तों, चलिए हम एक बिंदु से शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक बिंदु से होकर जाने वाली हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। हम ऐसी अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। अब यही प्रक्रिया हम दो बिंदुओं को लेकर करेंगे, यानी अब हम ऐसी रेखाएं खींचेंगे जो इन बिंदुओं से होकर गुजरती हो। अब बताइए हम ऐसी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है, और अगर हम कोई और सीधी रेखा खींचने की कोशिश भी करें तो वह संभव नहीं है। अगर हमने खींची भी तो वह सीधी रेखा नहीं बल्कि वक्र यानी कर्व होगा। अब इस अभिधारणा को यूक्लिड ने अपने कई कार्यों में दिखाया है। चलिए अब समझते हैं दूसरी अभिधारणा। एक शांत रेखा यानी टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक शांत रेखा किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि रेखा यानी लाइन सीधी और कभी न समाप्त होने वाली बिंदुओं की श्रृंखला है, और रेखा को हम इसके दोनों ओर इस तरह बाण या तीर के निशान से दर्शाते हैं। और वहीं रेखा का एक भाग जिसके दोनों ओर कोई निशान या प्रतीक नहीं होता, जो बिंदु पर ही समाप्त होती हो, उसे हम रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसी रेखाखंड को पहले शांत रेखा के नाम से जाना जाता था। यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार किसी रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी इसे छोटे रेखाखंड से बड़े रेखाखंड या ऐसे ही बढ़ाते रहने से रेखा के रूप में देखा जा सकता है, यानी एक छोटे से रेखाखंड को रेखा में बदला जा सकता है। तीसरी अभिधारणा रेखा से हटकर वृत्त की ओर बढ़ती है। तीसरी अभिधारणा के अनुसार किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यह अभिधारणा एकदम सीधे सीधे कहती है कि किसी को भी केंद्र यानी सेंटर मानकर अगर हम त्रिज्या
यानी रेडियस लें तो हम वृत्त खींच या बना सकते हैं। दोस्तों, आप इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एक पेपर पर प्रकार की सहायता से वृत्त बनाएं। आप देख पाएंगे कि हम अनगिनत वृत्त बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अवधारणा की ओर। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोस्तों, यह समझने के लिए काफी आसान है। समकोण का माप 90 अंश होता है, तो अगर यह कोण दो भुजाओं या रेखाओं से बनी हुई हैं या किसी त्रिभुज के अंदर होंगी, वह 90 अंश ही है। इसीलिए यूक्लिड ने कहा कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। दोस्तों, अगली अभिधारणा समझने के लिए हमें अपना ध्यान थोड़ा और बढ़ाना होगा। यह है वह अभिधारणा। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यह अभिधारणा कहती है कि यदि एक कागज पर दो सीधी रेखाएं इस प्रकार हैं, और अब अगर एक सीधी रेखा इन दोनों रेखाओं को काटते हुए खींचते हैं, तो यह सीधी रेखा अपने एक ही ओर अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल इस प्रकार बनाती है कि उन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण यानी राइट एंगल से कम होंगे, तो अगर हम दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाएं तो वह आगे चलकर एक दूसरे से मिलेंगी। तो दोस्तों, यह है यूक्लिड द्वारा दी गई 5 अभिधारणाएं। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं के बारे में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड की 5 अभिधारणाओं यानी यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स का अध्ययन किया। आज हम उसी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर अपनी पकड़ और बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल दो रेखाएं ही खींची जा सकती। दोस्तों, बताइए कि क्या यह कथन सत्य है? हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। लेकिन दो बिंदुओं से होकर अनगिनत वक्र यानी कर्व खींचे जा सकते हैं जो सीधी रेखाएं नहीं होती हैं, यानी यह कथन असत्य है। यदि किसी रेखा खंड के दोनों छोरों को केंद्र मानकर अलग अलग त्रिज्या वाला चाप इस प्रकार मारा जाए कि वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु और रेखाखंड के दोनों छोरों को जोड़ने से बना त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलीन ट्रायंगल होगा। क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, यूक्लिड की तीसरी अभिधारणा के अनुसार एक ही त्रिज्या लेकर अलग अलग केंद्र से बना हुआ वृत्त बराबर होता है, यानी अलग अलग त्रिज्या लेने पर वृत्त बराबर नहीं होंगे। इसलिए जब हमने अलग अलग त्रिज्या लेकर चाप खींचा तो दोनों लंबाइयां अलग अलग हुई, और चूंकि तीनों लंबाइयां अलग अलग हैं, इसलिए बना हुआ त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज होगा, यानी यह कथन सत्य है। एक शांत रेखा या रेखाखंड AB को रेखा AB के रूप में नहीं बदला जा सकता है। क्या यह कथन सत्य है? दोस्तों, यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा के अनुसार किसी भी रेखाखंड को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, यानी हम रेखाखंड AB को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, और अनिश्चित रूप में बढ़ी हुई रेखाखंड एक रेखा होती है, यानी यह कथन असत्य है। दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश से ज्यादा हो, तो वह दो रेखाएं उसकी विपरीत दिशा में एक दूसरे को आगे प्रतिच्छेदित करती हैं। दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, यह यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को ही अलग रूप में दिया हुआ कथन है। यदि किसी भी एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश से कम यानी दो समकोणों के योग से कम का होने पर
यह रेखाएं उसी ओर आगे चलकर प्रतिच्छेदित करेंगी। उसी तरह 180 अंश से ज्यादा होने पर दूसरी ओर बने अंतःकोण का माप 180 अंश से कम होगा और रेखाएं उस ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी दिया हुआ कथन सत्य है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं यानी पोस्टुलेट्स पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं यानी पोस्टुलेट्स पर चर्चा की और कुछ प्रश्न भी हल किए। आज हम उसी पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दो रेखाएं हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, यह कथन सत्य है या असत्य? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप वीडियो पॉज करके भी सोच सकते हैं। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा कहती है, दो रेखाओं के अन्य रेखा के प्रतिच्छेदन से बने अंतःकोण यदि 180 अंश के हैं यानी दो समकोणों के योग के बराबर, तो वह रेखाएं समांतर होंगी और यदि 180 अंश से कम या ज्यादा हैं, तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। यानी यह कथन असत्य है। समकोण त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज पीक्यूआर एक विषमबाहु त्रिभुज है, तो कोण एबीसी बराबर होगा कोण पीक्यूआर के। क्या दिया हुआ कथन सत्य है? दोस्तों, इस प्रश्न पर अच्छे से गौर करें। यहां पर भुजाओं पर नहीं केवल कोण पर ध्यान देना है। अगर आप यूक्लिड की चौथी अभिधारणा को याद करें तो दो समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को कोण बी और कोण क्यू से मिलाते हुए एक दूसरे पर रखें तो आप देख सकते हैं कि कोण एक दूसरे के बराबर हैं, त्रिभुज भले ही एक दूसरे के बराबर न हो। यानी दिया हुआ कथन सत्य है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाओं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिग्रहित यानी एक्सियम्स पर चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अभिग्रहित यानी एक्सियम्स का अर्थ समझ लेते हैं। दोस्तों, सामान्यतः तीन प्रकार के कथन होते हैं, एक जो हमेशा सत्य होते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, यह सर्वव्यापी सत्य है, और दूसरा जो हमेशा असत्य होता है, जैसे मनुष्य की चार आंखें होती हैं, और तीसरा अस्पष्ट यानी ऐसा कोई वाक्य जो किसी पर निर्भर हो, जैसे कि यह कथन, आज बहुत ठंड लग रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जिसे ठंड ना लग रही हो, या फिर कोई ऐसे स्थान पर हो जहाँ ठंड नहीं पड़ रही हो, इसलिए इस कथन को सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन गणित में केवल दो तरह के ही कथन होते हैं, या वह पूर्णतः सत्य होते हैं या फिर असत्य, जैसे 4 + 2 = 6, यह हमेशा ही सत्य है, और 4 + 2 = 8, यह हमेशा ही असत्य। सत्य कथन के भी दो वर्ग होते हैं, पहला जो बिना सिद्ध किए सत्य मान लिया गया हो, यानी सर्वव्यापी सत्य, जैसा कि हमने देखा 4 + 2 = 6, और दूसरा जिसे साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया गया हो, जैसे कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके भी दो वर्ग हैं,
पहला जो हर जगह या कह लें कि सामान्यतः गणित की हर शाखा में इसका उपयोग होता है, इसे अविग्रहित यानी एक्सियम्स कहते हैं। और दूसरा जो विशेषतः ज्यामिति से संबंधित हो उसे अभिधारणाएं यानी पोस्टुलेट्स कहते हैं। अभिधारणाओं पर विस्तार से चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यहाँ हम यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहितों यानी एक्सियम्स को देखते हैं। चलिए इसकी शुरुआत हम एक कथन से करते हैं। यदि मैं कहूँ रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें सोहन के पास भी हैं, और सोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं। दोस्तों, क्या इस कथन से हम रोहन और मोनू के बीच कोई संबंध बता सकते हैं? देखते हैं। मान लीजिए रोहन के पास किताबों की संख्या x है, सोहन के पास किताबों की संख्या y है और मोनू के किताबों की संख्या z है। कथन के अनुसार रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें सोहन के पास भी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि x y के बराबर है। और दिया है कि सोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं, यानी y z के बराबर है। ध्यान दीजिए, यहाँ x y के बराबर है और z भी y के बराबर है। दोस्तों, यूक्लिड का पहला अभिगृहित यही कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वह एक दूसरे के भी बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ x और z बराबर होंगे। यानी हम यह कह सकते हैं कि रोहन के पास जितनी किताबें हैं उतनी ही किताबें मोनू के पास भी हैं। यूक्लिड का दूसरा अभिगृहित यह है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यानी यदि a b के बराबर है और c d के बराबर है, तो अगर हम a में c को जोड़ें और b में d को, तो a धन c बराबर होगा b धन d के। यदि यहाँ धन के स्थान पर ऋण हो यानी इन्हें जोड़ने के बजाय हम घटाएं तो क्या होगा? दोस्तों थोड़ा सोचिए, क्या तो भी ये बराबर होंगे? जी हाँ। यूक्लिड का तीसरा अभिगृहित यह है कि यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं, यानी a ऋण c b ऋण d के बराबर होगा। यूक्लिड के चौथे अभिगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। संपाती यानी सर्वसम, या फिर कह लें कि एक ही हो तो वे एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि रेखा ए बी रेखा बी ए के बराबर है, क्योंकि यह दोनों नाम एक ही रेखा को दर्शाते हैं। और इस त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी ए सी बराबर है कोण सी ए बी के, क्योंकि यह दोनों नाम एक ही कोण को दर्शा रहे हैं। यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित पर आने से पहले एक आसान सा प्रश्न देखते हैं। बताइए हमारे देश भारत में कुल कितने राज्य हैं? जी हाँ, कुल 28 राज्य हैं। यानी भारत को 28 राज्य में विभाजित किया गया है। यदि हम इसमें से एक राज्य को देखें, जैसे महाराष्ट्र को देखें, तो निश्चित है यह भारत से छोटा होगा, क्योंकि यह भारत का केवल एक भाग है। जी हाँ दोस्तों, यूक्लिड अपने पांचवें अभिगृहित में भी यही कहते हैं कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यदि हम यहाँ भारत को ए मान लें और महाराष्ट्र को बी और बाकी बचे 27 राज्यों को सी, तो हम ए को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर बी धन सी। यूक्लिड के छठे अभिगृहित के अनुसार एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यदि ए और बी बराबर हैं, तो उनके दुगने भी यानी 2a और 2b भी बराबर होंगे। और सातवां अभिगृहित भी इसी प्रकार का है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यानी a और b बराबर हैं तो a का आधा यानी a बटे दो और b का आधा यानी b बटे दो भी बराबर होंगे। तो दोस्तों इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहितों यानी एक्सियम्स पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम यूक्लिड द्वारा दिए गए अभिगृहित यानी एक्सियम्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अभिगृहित पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे।
चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य? इसमें त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के बराबर है और त्रिभुज पीक्यूआर त्रिभुज एमएनओ के बराबर है। यूक्लिड के पहले अपगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एमएनओ के बराबर होगा और यह कथन सत्य है। क्या यह कथन सत्य है? वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्यादा है वर्ग ईएफजीसी के क्षेत्रफल से। आकृति से हमें यह ज्ञात हो रहा है कि वर्ग ईएफजीसी वर्ग एबीसीडी का ही एक भाग है। आकृति को देखकर और यूक्लिड के पांचवें अपगृहित के अनुसार हमें यह पता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, इसलिए यह कथन सत्य है। दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य? यदि P Q के बराबर है तो P का आधा बड़ा होगा Q के आधे से। यूक्लिड के सातवें अपगृहित के अनुसार एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। यहाँ P बटे दो बराबर होगा Q बटे दो के, इसलिए यह कथन असत्य है। क्या यह कथन सत्य है? कथन को ध्यान से पढ़ें। रवि के पास जितने रुपए हैं उतने ही अवनी के पास भी हैं। रवि ने 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी और अवनी ने भी 5 रुपए की चॉकलेट खरीदी। अब दोनों के पास बचे पैसे बराबर होंगे। यूक्लिड का तीसरा अपगृहित यह है कि यदि बराबरों में से बराबरों को घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। रवि और अवनी के पास बराबर रुपए थे, उन्होंने बराबर रुपए खर्च किए तो निश्चित है उनके पास बचे रुपए भी बराबर ही होंगे, इसलिए यह कथन सत्य है। दिया हुआ कथन सत्य है या असत्य? कोण FGH कोण HGF के बराबर नहीं है। आकृति को ध्यान से देखें तो यह दोनों नाम एक ही कोण को दर्शाते हैं। यूक्लिड के चौथे अपगृहित के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं, इसलिए यह दोनों कोण बराबर होंगे और यह कथन असत्य है। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने यूक्लिड की अपगृहितों से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम यूक्लिड द्वारा दिए गए अपगृहित यानी एक्सियम्स पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपगृहित से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत एक प्रश्न से करते हैं। सुमन के पास 4 किताबें हैं और 2 कलम हैं। मधु के पास 3 किताबें और 4 कलम हैं। तो बताइए दोनों के पास कुल कितनी किताबें और कितने कलम हैं? दोस्तों, सुमन के पास 4 किताबें हैं और मधु के पास 3, यानी दोनों के पास कुल मिलकर 7 किताबें हैं। और सुमन के पास 2 कलम हैं और मधु के पास 4 कलम हैं, यानी दोनों के पास मिलकर कुल 6 कलम हैं। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने किताबों को किताबों में जोड़ा और कलम को कलम में। पर क्या हम यहाँ किताबों को कलम में या फिर कलम को किताबों में जोड़ सकते हैं? जी नहीं, किताबों में केवल किताबों और कलम में केवल कलम को जोड़ा जा सकता है। और केवल जोड़ा ही नहीं बल्कि घटाना भी, यानी किताबों में से केवल किताबों को ही घटाया जा सकता है और कलम से केवल कलम को ही। यूक्लिड के दूसरे और तीसरे अपगृहितों द्वारा हम यह कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के परिमाणों यानी क्वांटिटी की तुलना या फिर उन्हें जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस कथन को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम किसी कोण में रेखा को नहीं जोड़ सकते और न ही घटा सकते हैं, और ना ही हम किसी वर्ग की तुलना किसी कोण से कर सकते हैं। तो
तो दोस्तों, आज हमने यूक्लिड के अवगृहितों से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।